प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। 25 मार्च के लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत 11 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और बढ़ा दी। यही नहीं, पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भी सालाना लाखों करोड़ इकट्ठे करने का इंतजाम कर दिया है। यह सब तब हो रहा है जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कम हो रहे हैं। मैं आप सभी को यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फायदा देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे सरकार ने लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की। यह अपने आप में जनता की मेहनत की कमाई से पैसा निकाल कर खजाना भरने का जीता जागता सबूत है। सरकार की जिम्मेदारी यह है कि मुश्किल समय में देशवासियों का सहारा बने, उनकी मुसीबत का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी ना करे। पेट्रोल और डीजल की अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी ने सरकार द्वारा देशवासियों से जबरन वसूली का एक नया उदाहरण पेश किया है। न केवल यह अन्यायपूर्ण है बल्कि संवेदनहीन भी है। इसकी सीधी चोट देश के किसान, गरीब, नौकरी पेशा लोगों, मध्यम वर्ग और छोटे छोटे उद्योगों पर पड़ रही है। मैं आज कांग्रेसजनों और आप सभी के साथ मिलकर मोदी सरकार से ये मांग करती हूँ कि कोरोना महामारी के इस संकट में बढ़ाई गई पेट्रोल डीजल की कीमतें फौरन वापस ले जाए। मार्च से आज तक की पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी को भी वापस ले। इसका फायदा देशवासियों को दिया जाए। आर्थिक संकट की इस कठिन समय में यह बहुत बड़ी राहत होगी। जय हिंद।